उत्तर प्रदेश के बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह ने मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। सत्यपाल सिंह को मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, जल संसाधन और गंगा सफाई राज्य मंत्री बनाया गया है। भारतीय पुलिस सेवा से त्याग पत्र देकर बीजेपी का दामन थामने वाले सत्यपाल सिंह ने 2014 में चौधरी अजीत सिंह को चुनाव में भारी बहुमत से हराया था। 1990 के दशक में मुंबई में संगठित अपराध की कमर तोड़ने वाले सत्यपाल सिंह मुंबई, पुणे और नागपुर के पुलिस कमिश्नर का पद संभाल चुके हैं। मुंबई में दोबारा से पनपते अंडरवर्ल्ड के खात्मे में इनका अहम योगदान माना जाता है। इनके पुलिस कमिश्नर रहते हुए मुंबई में क्राइम का ग्राफ काफी घट गया था। साथ ही इन्होंने मुंबई पुलिस और वहां की जनता के बीच मेलजोल बढ़ाने के लिए काफी काम किए थे। ये अपने भाषणों में कई मौकों पर कह चुके हैं कि अपराधियों के लिए वे सबसे बड़े गुंडे हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर तैनात रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बड़े ही शानदार ढंग से इन्होंने पूरा किया। मुंबई के अपराध प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संगठित सिंडिकेट की रीढ़ को तोड़ने का काम किया। 1990 के दशक में मुंबई में छोटा राजन, छोटा शकील और अरुण गौली गिरोह का आतंक था। पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए और साल 2012 आते आते उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए।